नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। काफी सारे भाइयों ने हमें कमेंट किए कि सर हमें दो जन आधार कार्ड को मिलाकर एक जन आधार कार्ड हमें अलग करना है। यानी कि आपको मैं सरल भाषा में बताने की कोशिश करता हूं कि सपोज कीजिए कि आपका जन आधार कार्ड पहले से बना है और उसके बाद में आपकी शादी हो गई और आप अपने परिवारजनों से अपना जन आधार कार्ड अलग करना चाहें, यानी कि दो अलग अलग लड़की की भी शादी होगी, लड़के की भी शादी होगी, अब दोनों का जन आधार कार्ड अपने अपने मम्मी पापा के जन आधार कार्ड के साथ जुड़ा हुआ है, अब उन लड़की को भी अलग करना है और लड़के को भी अलग करना है, तो दोनों को अलग कर दोनों परिवारों से अलग कर उनका एक तीसरा जन आधार कार्ड हम किस प्रकार से बना सकते हैं, वो सारी की सारी जानकारी आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। यानी कि दो जन आधार कार्ड में से अलग सेपरेट हम तीसरा जन आधार कार्ड किस प्रकार से बनाएंगे, किस प्रकार से हम शादी होने के बाद में उसमें से अलग अपना सेपरेट जन आधार कार्ड बना सकते हैं, वो संपूर्ण जानकारी आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही लाभदायक होने वाला है, तो आप सभी से अनुरोध है कि इस वीडियो को आप जरूर पूरा देखिएगा और आप खुद भी बहुत ही आसानी से अपना सेपरेट जन आधार कार्ड आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। ये देखिए दोस्तों, आ गए हम हमारी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और आज हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आप अपने दो जन आधार कार्ड में से तीसरा जन आधार कार्ड बनाकर उसको सेपरेट बना सकते हो, यानी कि शादी होने के कारण किस प्रकार से आप अपने मम्मी पापा से अपना जन आधार कार्ड अलग कर सकते हो, तो वो संपूर्ण जानकारी आज हम आपको बताएंगे। देखिए कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर हम आ गए, गूगल क्रोम आपको ओपन कर लेना है और यहाँ पर यूटिलिटी टाइप सर्विस में आपको चले जाना है। यहाँ पर आपको फ्री सर्च के अंदर आपको लिखना है जन आधार और जन आधार एनरोलमेंट सीडिंग मनी के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये थर्ड पार्टी साइट को रिडायरेक्ट करेगा। ओके, अब जैसे ही करेंगे तो हमें जन आधार कार्ड की साइट के ऊपर हमें ले जाएगा। एनरोलमेंट के ऊपर हमें क्लिक कर देना है। जैसे हम एनरोलमेंट पर क्लिक करेंगे काफ़ी सारे ऑप्शन हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे। हमें यहाँ पर स्प्लिट फैमिली पे क्लिक करना है। तो उससे पहले हमें लड़की की सारी डिटेल अपडेट कर देनी है, उसका खाता संख्या, उसकी पैन कार्ड वगैरह सारी अपडेट कर देनी है और यहाँ पर हम रसीद संख्या लिखेंगे लड़की की जिसको हम मुखिया बनाने वाले हैं और यहाँ पर ओके करेंगे और ऑथेंटिकेट करेंगे। यहाँ पर हम EKYC के माध्यम से या फिर जन आधार कार्ड में जो नंबर दे रखा है उसके माध्यम से हम उसको ओके करेंगे और OTP वहाँ पर चला जाएगा हमारा जन आधार कार्ड के अंदर। उससे पहले हमें लड़की की सारी बैंक डिटेल अपडेट कर लेनी है। OTP आ गया, हम ओके करेंगे। वेरीफाई जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लड़की के परिवार के सारे मेंबर यहाँ पे चुन जाएंगे। जिसको हमें अलग करना है उसके ऊपर स्टार का निशान लग जाएगा, हमें उसको सेलेक्ट करना है चेकबॉक्स पे, ओके कर देना है और यहाँ पर हमें नीचे आकर ऐड फैमिली के ऊपर क्लिक कर देना है। ऐड ए न्यू फैमिली के ऊपर हमें क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर हम इसको ऐड न्यू फैमिली पे जैसे क्लिक करेंगे तो वो लड़की हमारी यहाँ से, वो कैंडिडेट हमारा यहाँ से अलग हो जाएगा। और यहाँ पर टिप्पणी में हमें लिख देना कि उसको अलग करने का क्या कारण है, तो यहाँ पर हम टिप्पणी में लिख देंगे यहाँ पर सारी की सारी चीज़ें कि उसको अलग करने का क्या कारण है और यहाँ पर हम अलग करेंगे और यहाँ पर हम हिंदी में लिखेंगे गूगल क्रोम के ऊपर और यहाँ पर हम लिख देंगे शादी होने के कारण, या जो भी आप लिखना चाहें अपने हिंदी के अंदर वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। हम यहाँ पर लिखेंगे शादी होने के कारण अलग करना, तो यहाँ पर हमने लिख दिया शादी होने के कारण, हम यहाँ पर लिख देते हैं। और यहाँ पर हमें लिखने के बाद में यहाँ पे चूज फाइल का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर हमें उनके डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं या उनका आधार कार्ड हमें अपलोड कर देना है या फिर उनका मैरिज सर्टिफिकेट हमें यहाँ पर अपलोड कर देना है पति पत्नी का दोनों का। तो यहाँ पर हम उसको डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करेंगे PDF फाइल में और इसको सबमिट पर क्लिक कर देंगे, ये बोलेगा। और जैसे हम सबमिट पर क्लिक करेंगे तो ये थोड़ा सा वेट करेगा ये, और हमें थोड़ा सा वेट करना प्रोसेस होगा ये, इसमें मुश्किल से 30 सेकंड या 1 मिनट का प्रोसेस हमारा पूरा रहता है, हमें थोड़ा सा वेट करना है। आपको कैंसिल या रिफ्रेश नहीं करना है दोस्तों, आपको वेट करना है, इसमें थोड़ा समय लेता है ये हम थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं। और ये देखिए हमारा घूम रहा है ये,
वेट हम कर रहे हैं थोड़ा सा, रिफ्रेश नहीं करना हमें, रिफ्रेश करने की गलती हमें बिल्कुल भी नहीं करनी है। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं हम। और ये देखिए रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली आ गया हमारे सामने, इसको हम ओके कर देंगे। ओके करने के बाद में हम एक बार चेक कर लेते हैं, और यहाँ पर फैमिली स्टेटस में हम जाएंगे और यहाँ पर हम रिसिप्ट संख्या डालेंगे लड़की के परिवार वालों की, जो उसकी रिसिप्ट संख्या डालेंगे हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, हमने यहाँ पर सेव कर रखा है। और यहाँ पर हम खोजे पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लड़की के परिवार वालों की संख्या हमारी यहाँ पे दिखाएगा, और यहाँ पर परिवार विभाजन का विवरण में हम जाकर देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि लड़की का हमारा नाम क्या अलग हो चुका है उसके मम्मी पापा से, तो वो हम देख लेते हैं। और उसकी रसीद संख्या हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे, यहाँ पर डेट आ जाएगी हमारी जब हमने यहाँ पे विभाजन किया है, उसको अलग किया है, इसकी कॉपी हम यहाँ पे कर लेंगे और यहाँ पर हम कहीं पर इसको लिख लेंगे, ताकि हम अब लड़के को इसके साथ जोड़ेंगे, यानी कि पति पत्नी को एक मर्ज करेंगे जन आधार कार्ड में, तो हमें ये दोनों रिसिप्ट हमें चाहिएगी। तो ये लड़की की रिसिप्ट आ गई हमारे पास, जिसको हमने मुखिया बनाया, और यहाँ पर हम एक बार सर्च करके देख लेते हैं। और जैसे हम खोजे पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए लड़की का नाम आ गया, और अकेले लड़की की फ़ोटो पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए उसका जन आधार हमारा अलग सेपरेट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, दोबारा से बैक जाएंगे और हम अब लड़के और लड़की को दोनों को एक में मर्ज करेंगे, लड़के को उसके परिवार से हम हटाएंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ट्रांसफ़र फैमिली का ऑप्शन को हम सेलेक्ट करेंगे। ट्रांसफ़र फैमिली के ऊपर जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे सामने आ जाएगा जिस परिवार से स्थानांतरण होना है उसकी रसीद संख्या लिखनी है, यानी कि लड़के के परिवार वालों की हमें जन आधार की रसीद संख्या यहाँ पर लिखनी है। तो यहाँ पर हम लड़के के परिवार वालों की जन आधार संख्या ले लेते हैं और वहाँ से लड़के को हम अलग करेंगे। तो यहाँ पर हमने लड़के के परिवार की जन आधार संख्या ले ली है और इसको खोजे पे क्लिक करेंगे और ओके पे हम क्लिक करेंगे तो ऑथेंटिकेट हमें बोलेगा या तो हम आधार कार्ड से कर सकते हैं या हम जन आधार कार्ड की EKYC से कर सकते हैं। और यहाँ पर OTP हमने भेज दिया और OTP कंज्यूमर के पास चला गया है, और हम वेट करते हैं थोड़ा सा। OTP आ चुका है हमारे पास, और ये देखिए OTP हमने यहाँ पर डाल दिया और वेरीफाई पे हमें क्लिक कर देना है। फिर ये पूछ रहा है जिस परिवार में स्थानांतरण होना है उसकी रसीद संख्या लिखनी है, यानी कि लड़की की जो नई जन आधार कार्ड की संख्या आई थी वो यहाँ से हमें कॉपी कर लेनी है और वो हमें यहाँ पर रसीद संख्या लड़की की लिख देनी है, और यहाँ पर पेस्ट कर हम खोजे पे क्लिक करेंगे। जैसे हम खोजे पे क्लिक करेंगे और ओके पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी ऑथेंटिकेट बोलेगा, तो यहाँ पर देखिए लड़की के मोबाइल नंबर नहीं लिखा हुआ, तो हम EKYC आधार कार्ड की तरफ से करेंगे। तो यहाँ पर हम EKYC आधार की तरफ से हम यहाँ पे करेंगे, तो जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखिए हमारा EKYC का हो रहा है, और यहाँ पर हम फिंगरप्रिंट और OTP के माध्यम से दोनों से हम यहाँ पर कर सकते हैं। हमने फिंगरप्रिंट पे क्लिक किया और यहाँ पर फिंगरप्रिंट देखिए हमारा स्कैन हो गया, कैप्चर हो गया, और ये देखिए फिंगरप्रिंट कैप्चर होने के बाद में हमारा थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। और ये देखिए दोनों परिवार की हमारे जन आधार कार्ड यहाँ पर खुलकर आ गए हैं, ऊपर हमारे लड़के वाले का आ गया और नीचे हमारी जो लड़की मुखिया थी जिसको हमने सेपरेट बना लिया उसका जन आधार नंबर हमारे सामने आ गया। हम जिसको मर्ज करना है पति पत्नी को उसको सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पर रीजन हम यहाँ पर लिख देंगे, 500 शब्दों में हम लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे पति पत्नी, हम केवल शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे यहाँ पर पति पत्नी। और यहाँ पर कारण हम सेलेक्ट करेंगे शादी, और यहाँ पर चूज़ फाइल पे हम उसकी वही मैरिज सर्टिफिकेट या फिर दोनों का जन आधार कार्ड अपलोड करेंगे, और साथ ही साथ यहाँ पर हम मुखिया से संबंध यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, जो मेंबर हम यहाँ से ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसका मुखिया से क्या संबंध है, तो यहाँ पर पति पत्नी हम सेलेक्ट करेंगे। और स्थानांतरण के लिए यहाँ पर हम स्थानांतरण करने पे क्लिक करेंगे तो ये बोल रहा है चयन किए गए सदस्य का स्थानांतरित किया जाएगा, क्या आप सुनिश्चित करें, तो हमें ओके पे क्लिक कर देना। यहाँ पर हम यहाँ पर कंफर्म करेंगे कि हम खुद ही यहाँ पर कर रहे हैं, थोड़ा सा वेट करेंगे और ये देखिए हमारा प्रोसेस चलेगा। तो हमें यहाँ पर रिफ्रेश नहीं करना, ना ही हमें ओके करना, ना ही हमें बैक करना है। और ये देखिए सदस्य स्थानांतरण हो चुका है, एनरोलमेंट पर हम जाएंगे, और यहाँ पर जाने के बाद में हम एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट के ऊपर चले जाएंगे।
और वो लड़की की जो हमने नई जन आधार कार्ड संख्या डाली थी वो यहाँ पर रसीद संख्या डालेंगे और खोजे पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर जैसे हम खोजे पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर वो एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट का भी क्लिक करना है और जो दो पति पत्नी को हमने अलग किया था उनका नया हमारा रसीद संख्या आ गई है और उनका हमारा नया जन आधार कार्ड हमारा यहाँ पर प्रिंट हो गया और यहाँ पर हमें प्रिंट करके कंज्यूमर को कॉपी निकाल कर दे देनी है। तो देखा दोस्तों, इस प्रकार से आप भी दो अलग अलग जन आधार कार्ड को एक सेपरेट जन आधार कार्ड में किस प्रकार से ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बहुत आसान तरीका है। यही कुछ छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर लीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर, और अगर आप चैनल के ऊपर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।